हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अभी सुबह के लगभग 7:30 बज रखे हैं और अभी हम थोड़ी देर में तैयार होके निकल जाएंगे घटासनी की तरफ, क्योंकि आज वहाँ पे जो है कार्यक्रम आयोजित है और बहुत ही खूबसूरत जगह है और वहाँ पे इनके कुल देवता का मंदिर भी है। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। चलिए अब इन्हीं को क्रॉस करते हुए आप भी देखिए इन खूबसूरत से खेतों को, ये देखिए। तो दोस्तों, जो हमारे ये बंधु हैं ये थोड़ा थक चुके हैं, ये देखिए। ये अभी अभी इन सीढ़ियों को ऐसा लगता है अभी ही बनाया, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और ये देखिए, सामने ही है ऊपर हमारा मंदिर। ये देखिए दोस्तों, ये बोर्ड भी लग रखा है, ये देखिए शैले देव। और ये खूबसूरत सा डोगी जो सबका स्वागत करने के लिए बैठा है, ऐसा प्रतीत होता है। तो दोस्तों, ये देखिए यहाँ जो गाँव के निवासी हैं मिट्टी को सही से बिठा रहे हैं ताकि चलने में थोड़ी आसानी हो, और यहाँ दरियों इत्यादि को बिछाया जा सके नीचे। और ये देखिए दोस्तों, लजीज भोजन बनता हुआ, हर तरह तरह के पकवान। तो देखिए दोस्तों, वहाँ कीर्तन इत्यादि होना शुरू हो चुका है। और जो ये वीडियो में बहुत ही शानदार दृश्य कैप्चर होते हुए दिख रहे हैं मुझे। और ये देखिए, ये है हमारे जो कि कुलदेव हैं शैले देव, उनका मंदिर। तो दोस्तों, ये देखिए यहाँ हमारे जो गांव के निवासी हैं थोड़ा थक चुके हैं, हम थोड़ा सुस्ताते हुए, और हमारी बकरियाँ उधर दूर मज़े लेते ही हरी भरी घास के। ये देखिए एक बार फिर से आप स्लोली देख सकते हैं पैनोरमा एक तरह का हमारा। दोस्तों, ये देखिए यहाँ कीर्तन इत्यादि होना शुरू हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा रौनक लग रखी है। ये देखिए, जैसे कि आपको भी मज़ा आ रहा होगा ये देख के। तो चलिए दोस्तों, अब आपको मंदिर की तरफ लेके चलते हैं और वहाँ जो मूर्तियाँ और वहाँ के जो प्रमुख देव शैले देव, उनके दर्शन करवाते हैं हम आपको। तो चलिए। तो दोस्तों, ये देखिए, ये यहाँ के पंडित जी से आशीर्वाद लेते हुए, और ये है शैले देव जी का मंदिर, ये देखिए। और दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे पाषाणों में तरह तरह के चित्र उकेर गए हैं, ये भी यहाँ के प्रमुख देव हैं, ये देखिए काफ़ी पुराने प्रतीत होते हैं। और अभी इसका जो विकास है वो होता जा रहा है धीरे धीरे, ये देखिए इसी तरह की दान दक्षिणा यहाँ का विकास होएगा। और नीचे यहाँ लोग लुत्फ उठाते हैं तरह तरह के पकवानों का,
और ये यहाँ देखिए गांव के निवासी अपने कीर्तनों में मगन हैं। तो दोस्तों चलिए अब यहाँ से आपको खूबसूरत वैली दिखाई जाए, यहाँ के खेत इत्यादि के दर्शन कराए जाएं, जो कि बहुत ही मज़ेदार और खूबसूरत हैं। ये देखिए दोस्तों ऊपर मंदिर, और ये देखिए खूबसूरत खेत, अरबी के पत्ते और खूबसूरत देवदार, और इन जंगलों के पीछे आपका फूलाधार वैली। तो दोस्तों अब आपको चलिए सेब के बगीचों की तरफ लेके चलते हैं, जो कि ठीक मेरे सामने ही है। ये देखिए दोस्तों खूबसूरत सेब के बगीचा, ये देखिए अपना ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर भी है, ये देखिए टिक 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 टिक। और आप देख सकते हैं जैसे काफी हाइट पे है ये जगह, तो बिल्कुल अनुकूल परिस्थितियां हैं। और यहाँ ऊपर फूलाधार वैली में जो ये जगह है आपको दिखाने चाहूँगा, देखिए जूम करके, यहाँ से पैराग्लाइडिंग भी होती है। और दोस्तों ये देखिए नीचे भी यहाँ सेब के ही बगीचे, सारा इलाका सेब के बगीचों से भर रखा है। तो सेब के मौसम के समय ज़रूर आएं। और ये देखिए मुझे ककड़ियाँ दिखती हुई नज़र आ रही हैं, शायद इन्हें बीजने के लिए रखा हो। तो दोस्तों अब आपसे अलविदा लेने का समय आ चुका है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये जगह उतनी ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब मार लें, और अपने लोकल भाई को इसी तरह सपोर्ट करते रहें।